क्या सच में आखिरी अवतार कल्कि अवतार सामान्य मनुष्य रूप में आए हैं? क्या कल्कि अवतार को भी परीक्षा देनी पड़ेगी? क्या है कल्कि अवतार और परशुराम जी का संबंध? क्या है कल्कि अवतार और सप्त ऋषियों का संबंध? क्या है कल्कि अवतार और इंद्रदेव का संबंध? जानेंगे आज के अध्याय में। जय और पराजय का विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। दोस्तों, चाहे मनुष्य हो, देवता हो या अवतार, सृष्टि का नियम सबके लिए समान होता है। कल्कि अवतार भी एक सामान्य मनुष्य रूप में आए हैं। जैसे एक मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है, ठीक वैसे ही कल्कि अवतार को भी अनेक संघर्ष करनी पड़ी है। अगर मैं एक डॉक्टर को वेल्डिंग करने के लिए कहूँ, क्या वो कर पाएगा? नहीं। अगर मैं एक सब्जी वाले को कॉलेज का प्रोफेसर बना दूँ, क्या वो पढ़ा पाएगा? नहीं। अगर मैं अंटार्कटिक से एक पेंगुइन को लाकर राजस्थान की रेगिस्तान में छोड़ दूँ, क्या वो रह पाएगा? नहीं। अगर एक मछली को जल से निकाल कर सूखे में छोड़ दूं, क्या वो रह पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही जब तक एक अवतार को, कल्कि अवतार को, दुनिया की परिस्थिति, समाज में हो रहे अन्याय, अत्याचार, पाप कर्म समझ ही ना आए, तो दुनिया में धर्म की स्थापना कैसे करेंगे भला? एक सैनिक को बंदूक चलाना सिखाया जाता है, युद्ध लड़ना सिखाया जाता है, तभी तो वो देश की सुरक्षा कर पाता है। कल्कि युद्ध विद्या का शिक्षा लेंगे और किसी से नहीं, सबसे महान योद्धा परशुराम जी से। और सबसे महत्वपूर्ण जो परशुराम जी कल्कि को सिखाएंगे, वो है ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। क्या कल्कि सच में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। अगर पृथ्वी को पाप मुक्त करना है, नए युग का आरंभ करना है, तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये तो हो गई परशुराम जी की बात। और भी महागुप्त बातें हैं जिसको अभी प्रकाश नहीं कर सकता, समय नहीं हुआ है, ना ही अनुमति है। अब बात करते हैं सप्त ऋषियों के बारे में। हम मनुष्य को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर ये पृथ्वी मौजूद है, उन्हीं सप्त ऋषियों के वजह से, उनके साधना तपस्या के बल पर। और कल्कि को अवतार में परिवर्तन करने का प्रमुख जिम्मेदारी भी उन्हीं सप्त ऋषियों का ही है। चाहे ज्ञान हो या शक्ति, चाहे साधना हो या तपस्या, कल्कि अवतार के मार्गदर्शक हैं सप्त ऋषि। फिर आते हैं इंद्रदेव। इंद्रदेव भी कुछ विशेष शक्तियां और अस्त्र प्रदान करेंगे कल्कि अवतार को। इसके ऊपर गुरुअच्युतानंद जी ने बहुत सी बातें लिखी हैं, लेकिन जब तक मैं तथ्यों की जांच नहीं कर लेता, तब तक प्रकाश नहीं कर सकता। गुरुदेव ने एक ग्रंथ में सब नहीं लिखा है, बल्कि अनेकों ग्रंथों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके लिखा है, वो भी सीक्रेट कोड्स के माध्यम से, ताकि कोई आसानी से समझ ना पाए। इंद्रदेव के ऊपर भी मैं जल्द ही एक विशेष अध्याय बनाऊंगा आपके लिए। तो दोस्तों, 600 साल पुराने मालिका ग्रंथों से ये प्रमाण मिलता है कि कल्कि एक सामान्य मनुष्य रूप में आए हैं, जो कि अपने जीवन में संघर्ष करके खुद के दम पर अवतार बनेंगे, समाज में परिवर्तन लाएंगे, भक्तों की रक्षा करेंगे तथा भारतवर्ष को फिर से विश्वगुरु तक पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, पहले विनाश फिर नया आरंभ। आप सबके प्यार, सहायता और योगदान के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।